नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं एक ऐसे किले से जिससे जुड़ी है काफी सारी कहानियां और किंवदंतियां। तो चलिए जानते हैं राहतगढ़ किले से जुड़े इतिहास और इसकी कहानियों के बारे में। 1857 की क्रांति के बाद जब ब्रिटिश अधिकारी यूरोस झांसी की ओर सेना लेकर बढ़ रहा था, तब उसका सामना बुंदेलखंड के कई वीर योद्धाओं से होता है। यूरोस के इसी रास्ते के बीच में पड़ता है राहतगढ़ का किला। यह किला बुंदेलखंड के सागर जिले के अंतर्गत आने वाले राहतगढ़ नामक एक छोटे से कस्बे में ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण 11वीं से 12वीं शताब्दी के आसपास हुआ माना जाता है। राहतगढ़ के किले में सबसे पहले चंदेल और परमार वंश के राजाओं का शासन था। इसके बाद यहां गौंड राजा संग्राम सिंह का शासन हुआ। राहतगढ़ का किला राजा संग्राम सिंह के 52 गढ़ों में से एक माना जाता था। इस किले को सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही अच्छा माना जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस किले के अंदर प्रवेश करने के लिए 5 द्वार से गुजरना पड़ता है। इस किले के चारों ओर ऊंची दीवार बनाई गई थी, जिसमें की सुरक्षा चौकियां भी दिखाई देती हैं। ऐसा कहा जाता है इस किले के अंदर एक पूरी बस्ती हुआ करती थी। यहाँ के सैनिक और उनके परिवार इसी किले के अंदर रहा करते थे, और पुराने समय में इस किले के अंदर ही हीरों का बाजार भी लगा करता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस जगह को रानी महल के नाम से जाना जाता है, और यहाँ पर पुराने समय में रानियां रहा करती थी। इसके साथ ही राजा अपने मनोरंजन के लिए यहाँ पर नृत्य भी देखा करते थे। यह महल 3 से 4 मंजिला बना हुआ है। इस महल के ऊपर जाते ही हमें दिखाई देता है राहतगढ़ कस्बे का बहुत ही खूबसूरत और मनमोहन दृश्य। राहतगढ़ किले की खास बात यह भी है कि इस किले को इस तरीके से बनाया गया था कि इसमें साफ सफाई अपने आप ही रहती है। इस किले में स्थित खिड़कियों से इतनी तेज हवा आती है कि इसमें धूल वगैरह का जमावड़ा नहीं हो पाता है। चलिए अब चलते हैं इस किले के इतिहास की ओर। महारानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण की मृत्यु के बाद यह किला गौंड राजा चंद्रशाह को मिल गया। उसके बाद उसने यह किला मुगल सम्राट अकबर के हवाले कर दिया। अकबर के अधीन आते ही इस किले को भोपाल की सल्तनत में शामिल कर दिया गया। इस किले के अंदर हमें रानी महल, बादल महल और फांसी घर जैसे कई महल देखने को मिलते हैं। बादल महल राजा की कचहरी के नाम से जाना जाता था। बादल महल में दोषियों को सजा सुनाई जाती थी, और फांसी घर में उन्हें मृत्युदंड दिया जाता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ बहुत सारा खुला मैदान पड़ा हुआ है। यहाँ पर पुराने समय में बस्तियां होती थी। चलिए अब आपको लेके चलते हैं बादल महल की ओर। इस महल को बादल महल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी दूसरी तरफ एक बहुत गहरी खाई है, जहां से बीना नदी का सुंदर दृश्य देखने को मिलता है। बादल महल की दूसरी ओर से सूर्य अस्त का दृश्य देखने लायक होता है। जहां से बीना नदी और सूर्य अस्त का मनमोहक दृश्य देखकर मन में बहुत शांति की अनुभूति होती है। मेरे अनुसार अगर आप यहां पर आते हैं तो आप ऐसे समय आइए कि यहां से सूर्य अस्त के नजारे का लुत्फ उठा पाए। इस किले के अंदर एक छोटा सा मंदिर और एक मस्जिद भी स्थित है। लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि इस किले में बहुत सारा खजाना मौजूद है, जिस कारण आसपास के गांवों से बहुत सारे असामाजिक तत्व यहां पर आते हैं और इस किले को क्षति पहुंचाने का प्रयास करते हैं।
जल स्रोत के लिए इस किले में एक बावड़ी मौजूद है और लोगों की माने तो उस बावड़ी में एक मछली मौजूद है जो कि सोने की नथ पहने हुए है और वही नथ इस किले में मौजूद खजाने की चाबी है। यहाँ आप देख सकते हैं इस किले से दिखने वाला सूर्य अस्त का मनमोहक दृश्य। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।